शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता। पहले कभी दिखे नहीं, दिखे होते तो तू नहीं दिखता। भोला का ट्रेलर कल आ चुका है। दृश्यम 2 की अपार सफलता के बाद फैंस अब अजय देवगन की अगली फिल्म भोला का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के टीजर और वीएफएक्स दर्शकों को पहले ही इम्प्रेस कर चुके हैं। अब अजय देवगन ने फैंस का इंतजार खत्म करते हुए भोला का थ्रिलर से भरपूर ट्रेलर रिलीज कर दिया है। अजय देवगन ने बीते हफ्ते ही ट्रेलर की रिलीज डेट की घोषणा कर दी थी। हालांकि फैंस का एक्साइटमेंट बनाए रखने के लिए बीच में कई बार नए मोशन पोस्टर्स के साथ एक्टर ट्रेलर की अपडेट देते रहे। अब आखिरकार फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। दृश्यम 2 के बाद अजय की भोला भी साउथ फिल्म का आधिकारिक हिंदी रीमेक है। भोला की कहानी साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म कार्ती से ली गई है। ओरिजिनल फिल्म में एक्टर कार्ती ने लीड रोल निभाया था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था। भोला के स्टार कास्ट की बात करें तो फिल्म में अजय देवगन के साथ साथ एक बार फिर तब्बू स्क्रीन पर स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगी। इनके अलावा फिल्म में दीपक डेबेरियाल और शरद केलकर जैसे मंझे हुए कलाकारों का नाम भी शामिल है। फिल्म में तब्बू एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में है तो वहीं दीपक डेबेरियाल नेगेटिव रोल में नजर आएंगे। भोला की कहानी की बात करें तो यह ड्रग माफिया के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में बाप बेटी के बीच की बॉन्डिंग भी देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 30 मार्च को कहां तक ये मूवी कितना रंग लाती है। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें।